जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज इस बोध पाम को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसमें क्या है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनका भी टू द पॉइंट हम जवाब देंगे। एक गर्ल की पाम है जिनकी करंट एज 26 ईयर्स है, राइट हैंडेड पर्सन है। शुरुआत करेंगे इनके राइट हैंड से ही एंड करंट सिचुएशन को जानेंगे, फिर इनके लेफ्ट हैंड में जाएंगे, वहाँ से डेस्टिनी अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं इनके भाग्य में उसके विषय में जानेंगे। शुरुआत में सबसे पहले गौर करेंगे यहाँ पे जो मणिबंध के क्षेत्र में जो दिल की स्थिति है उसके विषय में, जो कि शुक्र के इस बाहरी क्षेत्र में यहाँ पे अवस्थित है, कंकण के क्षेत्र में। जब भी आपके मणिबंध के क्षेत्र में तिल की स्थिति होती है, वो आपके जीवन में महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह काम करती है और जीवन को बेहतर गति से आगे बढ़ा के ले जा पाने में सक्षम होती है। ऐसी परिस्थितियों में भाग्य का साथ आपके जीवन में हमेशा बना रहता है और विभिन्न प्रकार की गलतियां करने के पश्चात भी या परिस्थितियाँ विपरीत आने के पश्चात भी आपका जीवन पर नियंत्रण काफ़ी अच्छे से बना रहता है। इसके अलावा इसकी अगर देखेंगे तो ये धन से संबंधित जो रेखा है उसके साथ ये सहयोग बना रही है। ये परिस्थिति काफ़ी उत्तम है क्योंकि ऐसी स्थिति में धन की आपके जीवन में प्रवाह काफी बेहतर हमेशा बने रहने की संभावना को बढ़ा देता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले चंद्र के क्षेत्र से आते हैं इनकी प्रथम रेखा को, जिसने कि चंद्र के सबसे निचले क्षेत्र का साथ लिया है और आगे की तरफ बढ़ी है और मध्य के क्षेत्र में यानी कि केतु के क्षेत्र में जाके वापस चंद्र के क्षेत्र की तरफ मुड़ गई है। और सबसे जो बेहतर बात है कि ये काफ़ी एक्टिव है, लेकिन ये आपको भावनात्मक तौर पर काफ़ी कमजोर बनाती है और इस कारण कई दफ़े आप भावनाओं में बह जाते हैं और जीवन के लिए जो हानिकारक चीज़ें हैं उसकी तरफ भी आप उसी तरीके से आकर्षित होती चली जाती हैं जिस तरीके से आपको नहीं होना चाहिए। इस प्रकृति से व्यक्ति को बचना चाहिए क्योंकि ये आसक्ति आपके जीवन को अंधकार की तरफ ले जाने का कार्य करती है आपके जीवन में कई दफे। द्वितीय रेखा की स्थिति को अगर गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि काफी छिटपुट होकर आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी कि टूट टूट के और जंजीराकार अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसमें बीच में कई सारी यव रेखाओं का भी संजोग यहाँ पे बना हुआ है जिसे एक बेहतर रूप से आप नहीं समझ सकते। यानी कि जीवन के शुरुआती दौर से होने वाली मुश्किलों को यह दर्शाता है जो जीवन के 36वें से 37वें से 38वें वर्ष तक व्यक्ति के जीवन को झंझटों में लगा के रखने वाला है। इसके अलावा बाद के 2 साल थोड़े अच्छे होंगे लेकिन उसके बाद फिर से यह प्रक्रिया चलेगी जो कि 42-43 तक चलेगी। इस समय तक जीवन मिला जुला के कभी अप कभी डाउन की स्थिति में चलेगा, लेकिन एक परेशानी चेहरे पे एक माथे पे एक बल हमेशा पड़ा रहेगा कि कुछ ना कुछ परेशानी साथ में चल रही है, चाहे वो मैरिड लाइफ की चल रही हो, चाहे फिनेंशियली चल रही हो, या आपके इन लॉज के साथ जो आपके रिश्ते हैं, या आपके फादर के साथ, आपके जो मायके के लोग हैं उनके साथ रिश्ते हैं, उसमें टकराव की स्थिति को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य करते हैं, जिसके कारण कई दफे आपको अपनी जगह अपनी चीजें छोड़ने की अवस्था भी जीवन में देखने की पड़ जाएगी। लेकिन फाइनली एक ऐसा पीरियड आएगा जब आप सक्सेस होकर अपने जीवन को बेहतर गति से आगे बढ़ा पाने में सक्षम यहाँ पे होते चले जा रहे हैं। केतु का जो क्षेत्र है फिलहाल अशांति के घोतक है और यहाँ की अशांति आपके जीवन को कहीं ना कहीं एक तरीके से टकराव की स्थिति की तरफ ले जाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा आपके गुरु के इस माउंट की अगर हम चर्चा करें तो गुरु का जो बेस है बेस काफ़ी वीक हो चला है, इसके कारण आप पे भरोसे की जो स्थिति है वो लोगों के मध्य में काफ़ी कम होगी और खुद पे जो भरोसे की स्थिति है वो भी आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो होके चल रही है, जिसका परिणाम बेहद सुखद आने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करते हो तो दुनिया आप पे क्यों करे भरोसा, कोई रीज़न ही नहीं है, ठीक है, फिर वो आपका यूज करेगी, यूज एंड थ्रो। सो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन टसन कम नहीं होनी चाहिए, आपकी जो दिखने की प्रकृति है वो कम नहीं होनी चाहिए, दिखना चाहिए, क्योंकि जब तक दिखोगे नहीं बिकोगे नहीं। एंड यहाँ पे जो सिचुएशन आपके लिए बन रही है ऊपर लाइन्स की, और लाइन्स भी थोड़ी आड़ी तिरछी होकर चल रही है और जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, इसमें जैसे ही ये बल कार्य नहीं करता है तो आप कुछ बेहतर निर्णय और बड़ा निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं हो जाते हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में उलझ जाते हैं और इस उलझन को ये दर्शाने का यहाँ पे कार्य कर रहा है, जिससे आपको सतर्क होकर आगे की तरफ मूवमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सैटर्न के इस माउंट की, तो यहाँ की जो माउंट की जो कंडीशन है नॉर्मल है, यानी कि कहीं ना कहीं फोर्स दे रही है लेकिन उसका सही तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जीवन में उलझने उसी प्रकार से आ रही है। हालांकि पैसों का फ्लो यहाँ पे काफी अच्छा खासा रहने वाला है और मानसिक तौर पर आपको मजबूत बना के रख रहा है, जो कि एक बेहतर स्थिति है, बस उसे सही लय में लाना, व्यवस्थित रूप से आगे चलाना यहाँ पे जातक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बात करेंगे आपके हम सन के इस माउंट की, यहाँ की सिचुएशन कैसी है, तो सन का माउंट काफी अच्छा है, जातक
अच्छी खासी जॉब कर लेगा, प्राइवेट ही होगी हालांकि। बिजनेस में कभी मत जाना, गवर्नमेंट जॉब में के लिए टाइम स्पेंड मत करना क्योंकि वहाँ का टाइम आपका फालतू जाएगा, और आप प्राइवेट जॉब की तरफ बढ़ जाना क्योंकि टेक्निकली आप स्ट्रांग हो। खासकर अगर हम बात करें तो नर्सिंग के क्षेत्र में, यानी कि औषधि से संबंधित, मेडिकल से संबंधित कार्यों की तरफ ये अच्छी गति से आगे लेके जाएगा। और उसमें भी खासकर अगर बात हो शिक्षा की, यानी कि जो एजुकेशन रिलेटेड उस सेक्टर में जो हो उसमें अगर कार्य करे जा सकते तो उसके लिए एक बेहतर विकल्पों को तैयार करने का कार्य यहाँ पे कर रहा है। इसके अलावा चमक वगैरह जैसी चीजें आपके लिए हमेशा बनी रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ काफी सक्सेसफुल है, वहाँ पे काफी अच्छी इज्जत प्रतिष्ठा रहेगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में चीजें बिल्कुल विपरीत गति से यहाँ पे चलने का कार्य कर रही है। बुध के इस क्षेत्र को देखेंगे तो ये काफी प्रवाहित होकर चल रही है, इसका प्रवाह काफी तीव्र है, काफी अलग प्रकृति स्थिति यहाँ पे उत्पन्न कर रही है, चीजों को इतना बढ़ा चढ़ा रही है ना कि एक नॉर्मल सी चीज आपकी लाइफ में अच्छा होने में या बुरा होने में एक लंबा पीरियड लेती है। यानी कि अच्छा तो कुछ सोचो मत, बुरी जैसी चीजें वो क्या होंगी कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से परेशानी देता रहेगा। जिस सड़क से कोई आसानी से गुजर गया उस सड़क से जब आप गुजरने जाओगे तो सांप बिच्छू सब मिल जाएंगे उस सड़क पे। तो ऐसी परिस्थितियां जीवन में बनती हैं कुछ खास परिस्थितियों में। जहां तक आकर्षण की बात करें तो देखो जीवन में आकर्षण जैसी स्थिति एक ही है, यानी कि जिससे प्यार उससे ही शादी की स्थिति के लिए जातक यहाँ पर कोशिश करने की प्रवृत्ति को विकसित करेगा और उसमें कहीं ना कहीं एक हद तक सफल भी होता जा रहा है। इस पर हम जल्दी ही प्रकाश डालेंगे जब आपके द्वितीय दूसरे पाव में भी जाएंगे और फाइनल एनालिसिस को आपको हम बताएंगे उस समय। लेकिन जो यहाँ पे शनि की मूवमेंट है वो धीरे धीरे काफी तीव्र हो रही है, तो इसका इसका पावर अगर बढ़ा तो उसके नतीजे काफी यहाँ पे अलहदा होने वाले हैं, जिसका खामियाजा आपका जीवन भुगतेगा एक छोटे से पीरियड के लिए, हालांकि बाद में उसके बेहतर परिणाम भी देखने को यहाँ पे स्पष्ट तौर पर मिल रहे हैं। इसके अलावा सूर्य एंड और सैटर्न दोनों यहाँ पे तत्कालिक लाभ देने की स्थिति में भी बन रहा है, तो इसके लाभ की स्थितियों का भी अवलोकन करना जातक के लिए यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा अगर मस्तिष्क रेखा की बात की जाए तो मस्तिष्क रेखा के बीच के मध्य में, खासकर जब एज जातक की 28-29 हो रही है, उस समय ये भारी मानसिक परेशानी को दिखा रही है, जिससे जूझ के बाहर निकल जाना जातक के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसके बाद दुनिया आपके लिए अच्छी है, बेहतर है। इसलिए इस सोच में कभी मत पड़ना किसी भी एज में कि शायद अब मैं फंस गई हूँ या मैं फंस जाऊंगी और चीजें यहाँ से उलट चलनी शुरू हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। देखो जीवन रेखा भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बता रही है कि कितनी फैली हुई है, जब भी ये फैलती है जीवन को थोड़ा विस्तृत रूप देती है, आपको सोचने का बहुत सारा समय देगी, लर्निंग का बहुत सारा समय देगी। और जो लर्निंग का पीरियड होता है ना, आम लोगों की भाषा में एक बुरा वक्त होता है, मेरी भाषा में लर्निंग का टाइम होता है, तो ये लर्निंग का टाइम आपका काफी लंबा होने वाला है, तो इस पर ध्यान देके आगे बढ़ना आपके लिए यहाँ पर अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा आने वाले जो कुछ वर्ष हैं, खासकर अगले 1.5 वर्ष, उसमें लोहे से सावधान रहना है क्योंकि उससे चोट लगने की संभावना यहाँ पे बन रही है, और किसी भी प्रकार की कोई तीक्ष्ण चीज, ऐसी चीज, धारदार चीज, उससे भी बचने की आवश्यकता है, नहीं तो वो चीजें आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए स्पष्ट तौर पे यहाँ पे प्रतिबिंबित हो रही है। इसके अलावा दूसरे मंगल के इस क्षेत्र की बात अगर करें तो यहाँ की परिस्थितियां थोड़ी सुलझनों को बढ़ा रही है, लेकिन जातक को कार्य में इतना ज्यादा व्यस्त कर रही है जिसके कारण चीजों से आपका ध्यान भटका रहेगा और जीवन एक गति से आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। ये अच्छी स्थिति, हालांकि लीगल क्षेत्र में आप जा रहे हैं वहां से संबंधित चीजें आपकी तरफ आ रही है जो कि परेशानियों को खड़ी करने का स्पष्ट तौर पर सूचना दे रही है। शुक्र के इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की स्थिति काफी बेहतर है, कामुकता तो अंदर भरी पड़ी है और इन चीजों से आप बाहर नहीं निकल पाते, सॉरी टू से, बट लेकिन ये चीजें आपके साथ हमेशा से हैं, शुरुआत से हैं। इसके अलावा बात करें तो अपने दम पे आप काफ़ी अच्छी आर्थिक स्थिति में पहुंचने की यहाँ पर मादा रखते हैं और अपने जीवन को पहुंचा के ले जाएंगे अपने पैसों से ही। इनफैक्ट कि आपके जीवन में शोहर हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, पति हो जाए, आपकी ज़िंदगी आपके पैसों से ही चलेगी, आपके भरोसे ही चलेगी, आपके काम करने से ही चलेगी, दूसरे के भरोसे नहीं चलेगी। अगर आप कहीं भी किसी रिश्ते में जाते हो सोचकर कि सामने वाला भी आपको उतनी ही ज़्यादा इज्जत देगा, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें देगा, तो नहीं, आपकी काबिलियत और आपकी जो पैसों की आवक है वो बहुत लोगों को प्रभावित करने का यहाँ पर कार्य करेगी, जिसके कारण आप उस रिश्तों की तरफ भटके जाएंगे। लेकिन क्या वो रिश्ते आगे आपको सुकून देने की स्थिति में होंगे? ऐसा अगर हम सोचते हैं तो ये अतिशयोक्ति है, ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही हैं। तो जातक को इन प्रकृति से बचने की कोशिश करनी चाहिए, हालांकि यह मुश्किल है क्योंकि होने को कोई टालता नहीं है, लेकिन फिर भी बचने की कोशिश करना यहाँ पे कतई भी गलत नहीं होगा। भाग्य रेखा अपनी शुरुआत से तो बेहतर गति से निकली है लेकिन आगे जाके भटक चुकी है और इनका यह भटकाव कहीं से भी बेहतर प्रभाव को दर्शाने का कार्य नहीं करता है। पर्सनल लाइफ को तो ये काफी ज्यादा ऊंचाई से देने का कार्य किया है, लेकिन एक जगह कहीं ना कहीं जाके आप रुक गए हैं और आपने अपनी संभावनाओं का अंत कर दिया है, क्योंकि आपके अंदर जितना था, जितनी थी क्षमता, जितना आप डिजर्व करते थे, आपने उन चीजों को स्टॉप लगा दिया है और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया है, क्योंकि आपका दिमाग, आपकी प्रवृत्ति
कहीं अन्य क्षेत्रों की तरफ जा रही है और उसकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान होने की वजह से आपकी जो पर्सनल जो ग्रूमिंग होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, वो यहाँ पर रुक गई है और एक बेहतर संभावनाओं का अस्पष्ट अंत यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि काफी निराशाजनक है। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र की अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मस्तिष्क रेखा के साथ दूसरी रेखा निकल के चल रही है वो दूसरे क्षेत्र में भी शुरुआत में बेहतर परिस्थितियों का सामंजस्य बिठाने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन आगे वो बेहतर सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है और धन की एक तगड़ी हानि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिख रही है, जो कि जब तक 28वें से 29वें वर्ष का जो समय होगा उस समय अस्पष्ट है और अविस्भावी है। ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी कुछ विकार हैं जो कि जातक को परेशान करने की अवस्था में आएंगे। हालांकि मानसिक मजबूती हमेशा बनी रहने वाली है, इसलिए परिस्थितियों पर नियंत्रण जातक के लिए यहाँ पर अच्छा खासा बना रहेगा। आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना उसे लोगों से शेयर करना सीखो। आपके जो भी अपने हैं वो आपके दुश्मन कतई नहीं है, तो उन पर भरोसा करना और चीज़ों को एकदम क्लियरली बात करना, शो करना आपके लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ऐसा सोच के जिंदगी को आगे की तरफ बढ़ा रहे हो कि नहीं हमारे आसपास अच्छे विचार नहीं है, अच्छे मानसिकता नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, तो ये आपकी गलत फहमी हो जाती है। क्योंकि आप जिस उम्र से गुजर रहे हो कोई उस उम्र से गुजर चुका है, आप जितने एक्सपीरियंस आप ले रहे हो सारे एक्सपीरियंस कोई ले चुका है, तो वो आपके लिए जो सबसे बेस्ट होगा वही बताएगा। हमें जब हमारी उम्र आती है ना तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं, हमने क्या गलतियां करी थी। लेकिन अगर कोई बेस्ट विशर्स, कोई अच्छा चाहने वाला हमारे साथ है और उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं तो दिन कभी नहीं आता। आज आप कहीं जाते हो तो आपको लगता होगा कि हमारे मदर फादर क्यों इतनी टेंशन कर रहे हैं, ये आपको तब पता चलेगा जब आपके बच्चे कभी बाहर जाएंगे और सीने पे आपका हाथ रहेगा कि पता नहीं कुछ होने जाए, पता नहीं किसी गलत संगत में न चलाया जाए, पता नहीं कोई और इनका यूज न करना शुरू कर दे। फिर आपको पता चलेगा कि एक गार्जियन कितना ज़्यादा वेलविशर्स होता है अपने बच्चों का। उस समय आपके बच्चे भी आपसे परेशान होंगे, क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा, लेकिन तब आपको पता रहेगा कि जिंदगी क्या होती है, दुनिया क्या है। दुनिया जैसी थी वैसी ही है, वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो इस पर गौर करना आपके लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बात करेंगे हॉटलाइन की यहाँ पे, तो हॉटलाइन की सिचुएशन थोड़ी डवाडोल होकर चल रही है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति पर ध्यान देना आवश्यक है। आप अपनी सोच से अलग नहीं हो सकते और कोई और अपनी सोच आपके लिए बदल नहीं सकता, क्योंकि अपॉर्चुनिस्ट भरे पड़े हैं आपके आसपास और वो आपके ऊपर हावी होंगे। और ये रेखा फिलहाल एक्टिव हो रही है, जिसका एक्टिव होना आपके लिए कतई भी बेहतर नहीं है। इसे जितनी जल्दी हो सके मंद किया जाना चाहिए, इसे कमजोर किया जाना चाहिए ताकि परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण हो सके। इससे संबंधित कुछ रेमेडीज, कुछ पूजा वगैरह है उससे रिलेटेड हमारी बात हो जाएगी, जब पर्सनल चैट पे बात होगी। इसके अलावा अंगूठी की जो प्रकृति है ये भी दिखा रही है कि परिस्थितियाँ कैसे आपके लिए मुश्किलों की तरफ जा रही है। इसके अलावा इसमें फोटो दिखेगी नहीं, लेकिन ये जो आपकी मध्यमा उंगली है इसमें ऊपर दूसरी द्वितीय पोर में जो तिल की स्थिति है वो स्थिति भी आपके लिए परिस्थितियों को मुश्किल बनाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा यहाँ की जो स्थिति है आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा भर के और सबके कहने के विपरीत, सबकी भावनाओं के विपरीत एक अलग निर्णय लेने की आपकी क्षमता को दर्शाती है। जो ये निर्णय क्षमता आपको परिवार से विद्रोह कराने की स्थिति की तरफ ले आएगी और आप खुद से निर्णय लेने के कारण अपने परिवार से दूर होकर अपने नए जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पूर्ण तौर पर तैयार हो रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे आपको बचना चाहिए, बस ऐसी हम सलाह आपको दे सकते हैं, हालांकि आप उस क्षेत्र की तरफ जा रही हैं। इसके अलावा लेफ्ट हाथ में आते हैं, यहाँ के डिस्टिनी को अगर देखेंगे तो पाएंगे कि एक लॉन्ग टर्म में गुरु का जो अमाउंट है वो अच्छा परिणाम देने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी जो वही एज होगी 42-43 के आसपास की एज होगी, उससे पहले नहीं देगा। इसके अलावा जो आपके सैटर्न के यहाँ की कंडीशन है, देखो इसे मेहंदी लगी है तो फोटो में थोड़ी कमजोर दिख रही होगी, लेकिन जब हमने ऑफलाइन स्टडी की थी तो उसमें बड़ी करके देख सकते थे तो चीज़ें स्पष्ट थी। तो सैटर्न यहाँ पे भी आपका स्ट्रांग है और एक सबसे जो खास पॉइंट है ना बस यही है कि सैटर्न स्ट्रांग है। अगर इस सैटर्न स्ट्रांग नहीं होता तो हाल होती जो सपने में किसी दुश्मन की ना हो, ऐसा आप सोचते होंगे। ठीक है, तो इसने बस आपको बचाने का कार्य किया है और आप अपनी अभिव्यक्ति और अपने मन की करते जा रहे हो और कर पा रहे हो। इसके अलावा जो यहाँ पर सन की सिचुएशन है ये ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट ये जुपिटर के साथ ही काम करने वाली है, तो उस एज में आपके लिए फायदे की स्थिति को ये बना के रखेगी। ठीक है, दो संतान होगी, दोनों बाहर ही होगी, दोनों गार्जियन से रेडियस से बाहर के क्षेत्र में, उसके पश्चात आप अपने जीवन में वापस लौटने की कोशिश करोगे, जो कि एक उजड़े हुए चमन की तरफ वापस लौटने के बराबर होगा। इन परिस्थितियों से हम बच सकते हैं, बात करने से बात बनती है, बात की तरफ आगे बढ़ना आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत ज़्यादा उलझ चुकी है और दूसरी भावनाएं, दूसरे विचार और दूसरी प्रकृतियाँ, दूसरे लोग आपके ऊपर इतने तरीके से हावी हो चुके हैं कि आपके जीवन को एक तरीके से रन कर रहे हैं, आपके जीवन को अपने तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपने अपने जीवन पर से अपना नियंत्रण खो दिया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये परिस्थितियाँ आपको स्पष्ट तौर पर खाई की तरफ ले जाने का कार्य कर रही है, जिससे
निश्चित तौर पे सीधे और स्पष्ट शब्दों में मैं बोलता हूं कि इससे वापस आ जाना जातक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अन्यथा ऐसे दिन देखने होंगे जैसे सपने भी नहीं सोचे थे। चाहे बाद में चीजें आपके कंट्रोल में क्यों ना जाए, सब खो के सब कुछ पा लेने में कुछ बचता नहीं है, क्योंकि वो रिश्ते आएंगे नहीं फिर। वीनस, वीनस यहाँ पे थोड़े से अलगाव को दर्शाता है, जो कि पैतृक रूप से जातक के अस्पष्ट तौर पे अस्पृश्यता को दर्शाने का कार्य करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। ये परिस्थिति कतई भी अच्छी नहीं है। चंद्र के इस क्षेत्र की बात करें तो ये फिलहाल उलझनों में बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से चल रहा है और 1 मिनट के अंदर 100 तरीके की सोच विकसित कर पाने में सक्षम हो चुका है, जो कि अमूमन 2 से 3 प्रकार की सोच व्यक्ति के दिमाग में चलती रहती है। लेकिन इतनी ज्यादा स्पीड है कि ये अपनी धुरी कब छोड़ दें ये कहना मुश्किल है। इसके अलावा आगे आने वाले भविष्य में जॉब से संबंधित भी कुछ परेशानियों को बढ़ाने का कार्य कर रही है, जिसमें बदलाव की स्थिति पैदा हो रही है और शहर छोड़ के दूसरे तहत तक जाने की भी स्थिति को पैदा कर रही है। स्पष्ट है ना, थोड़ी देर पहले स्पष्ट करी थी, छोड़ना तो पड़ेगा ही, जाना तो पड़ेगा ही, परिस्थितियाँ क्या होगी और किस तरीके से नियंत्रण से बाहर होंगी पता ही है। और ये मंगल किस तरीके से यहाँ पे दोष को बढ़ाने का कार्य कर रहा है ये भी पता ही है। और विभिन्न प्रकार की कुछ हेल्थ रिलेटेड, उसमें भी खासकर यूट्रस एंड से संबंधित कुछ लेडीज प्रॉब्लम जो कुछ मानव निर्मित होंगी, कुछ बढ़ाई जाएंगी, कुछ बढ़ेंगी, कुछ की परिस्थिति ऐसी हो जाएंगी कि बढ़ेंगी और सब आपके जीवन को यहाँ पे नुकसान की तरफ ले जाने का कार्य करेंगे। इससे बचना जातक के लिए अनिवार्य है। देखो, जब किस्मत होती है ना, भगवान हमें बचाना चाहते हैं तो हमें सॉल्यूशन के पास तक ले जाते हैं। अगर हम सॉल्यूशन के पास आए हैं तो उसका यूज करना हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि चीज़ों को हम काफ़ी हद तक संभाल सकें। नहीं तो एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, और ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, बचेगा कुछ नहीं हाथ में। कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं प्राइवेट, जो कि जब हमारी पर्सनल डिस्कशन होगी तो उस समय आपसे साझा की जाएंगी। फिलहाल समझने के लिए काफ़ी है, 2 से 3 बार वीडियो देखना, अच्छे तरीके से समझ जाओगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। इसके अलावा जो कुछ बाहरी लोग वीडियो देख रहे हैं वो जान लें कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर होता है व्हाट्सएप करने के लिए, जिससे आप एक फुल्ली पेड एनालिसिस है, यानी कि शुल्क आधारित, ये फ्री सेवा नहीं होती है, तो वहाँ पर आप मैसेज करके शुल्क के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद अपनी चीज़ों को एनालाइज करवा सकते हैं, ठीक है। और सीधे हाथ भेज देना, हाई हेलो रंगेस्ट्रो हु आर यू फलाने ठिकाना, ये सब करोगे सीधे ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। फिर हाई हेलो करते रहना जिसे करना होगा, तो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अन्यथा जय श्री राधे।